Hope you are liking these learning videos. Want to study with Dubey Sir live? Join our offline online batches for CSIR NET Maths and JAM. Visit our website or click on the link highlighted to know more. Conversion of partial differential equation into variational problem. Conversion of partial differential equation into variational problem. Minus p into u xx plus u yy plus q u equal to r, equation 1. In the region r, in the region r bounded by the curve, bounded by the curve C, then corresponding variation problem, corresponding variation problem is I y of x I equal to double integration over the region D P u x square plus u y square plus q u square minus 2 r u into t x into t y, where हम यहां पे u x x को रिप्लेस कर रहे हैं माइनस u x स्क्वायर से, u y y को रिप्लेस कर रहे हैं माइनस u y स्क्वायर से, u x u y को रिप्लेस कर रहा हूं 0 से और u को रिप्लेस कर रहा हूं u स्क्वायर से. कांस्टेंट और r x को मल्टीप्लाई बाई 2 u. गेलरविन का यही मेथड था, मतलब वो सब्जेक्टिव अप्रोच है कि जहां पे हम पूरा कैलकुलेट करेंगे, मैंने वो डिस्कस नहीं किया. यहां पे डायरेक्ट तुम्हें ऑब्जेक्टिव अप्रोच दी. अगर हमारे पास पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है ऑफ दिस फॉर्म, ध्यान रखना इस चीज का, ऑफ दिस फॉर्म, यहां पर कोफिशिएंट ऑफ p ये गिवन होना चाहिए, ये वाला, ठीक है. तो हमें ध्यान रखना है माइनस का कि ये पार्ट कैसा होना चाहिए, नेगेटिव. तब हम u x x को किससे रिप्लेस कर रहे हैं, माइनस u x स्क्वायर से, u y y को रिप्लेस कर रहे हैं माइनस u y स्क्वायर से, u x u y को रिप्लेस कर रहे हैं 0 से, u को किससे रिप्लेस कर रहे हैं u स्क्वायर से, कांस्टेंट ऑफ r x को मल्टीप्लाई किससे कर रहे हैं 2 u से, ठीक है. देखो एक एग्जांपल, फाइंड द एप्रोक्सीमेट सॉल्यूशन, फाइंड द एप्रोक्सीमेट सॉल्यूशन हेडिंग डालो, फाइंड द अप्रोक्सीमेट सॉल्यूशन ऑफ द पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन यू एक्स एक्स प्लस यू वाई वाई इक्वल टू माइनस वन मॉड ऑफ एक्स लेस देन वन, mod of x less than 1, mod of y less than 1, ठीक है. अब बताओ क्या ये गिवन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन उस फॉर्म में है, नहीं. अगर उस फॉर्म में नहीं है तो उस फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो, इसको लिख सकते हो माइनस यू एक्स एक्स माइनस यू वाई वाई इक्वल टू 1. हम यू एक्स एक्स को किससे रिप्लेस करेंगे, माइनस यू एक्स स्क्वायर से प्लस यू y स्क्वायर से, और कांस्टेंट को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस 2 u से, इक्वल टू क्या मिलेगा 0. तो इसके करस्पोंडिंग जो फंक्शनल आएगा, फंक्शनल i
इक्वल टू डबल इंटीग्रेशन, यानी कि x इक्वल टू माइनस वन से वन, y इक्वल टू माइनस वन से वन, यू एक्स स्क्वायर प्लस यू वाई स्क्वायर माइनस टू यू इंटू डी एक्स इंटू डी वाई, डी एक्स इंटू डी वाई। हमारे पास जो प्रॉब्लम मिली वो बनी x इक्वल टू माइनस वन से वन, यू एक्स स्क्वायर यू वाई स्क्वायर माइनस टू यू डी एक्स इंटू डी वाई। अब हमें एक ऐसा अप्रोक्सीमेट सॉल्यूशन सेलेक्ट करना जो ये बाउंड्री कंडीशन क्या करे सेटिस्फाई। एक चीज और, जहां पे मैंने ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में कंफर्म इंफॉर्मेशन दी थी कि डब्ल्यू आई एल्फा आई कैसे कॉन्स्टेंट होना चाहिए, डब्ल्यू आई लीनियरली इंडिपेंडेंट कंटिन्यूस फंक्शन होना चाहिए, वो कंप्लीट इंफॉर्मेशन यहाँ पे भी अप्लाई होती है। तो ध्यान रखना वो सारे के सारे जहां पे अंडरलाइन कराया था वो सब कुछ यहाँ पे भी अप्लाई हुआ, वही काम ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए, और वही सारी चीजें हम लेट करते हैं किसके लिए, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए। तो हमें ध्यान रखना है यहाँ पे, क्योंकि क्वेश्चन पूछा गया, दो क्वेश्चन आए, एक में डेफिनेशन पूछी गई है और एक में एक तीन ऑप्शन में डेफिनेशन थी और लास्ट में सॉल्यूशन। जैसे ये क्वेश्चन है, इसका अप्रोक्सीमेट सॉल्यूशन कैसे लेट करोगे, तो यू एक्स कोमा वाई इक्वल टू बाउंड्री पे क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। बाउंड्री पे अगर जीरो होगा तो इसकी वैल्यू, मैंने कंप्लीट क्वेश्चन नहीं दिया और लिख ही देता हूं, यू इक्वल टू जीरो एट एक्स इक्वल टू प्लस माइनस वन और वाई इक्वल टू प्लस माइनस वन, एट एक्स इक्वल टू प्लस माइनस वन और वाई इक्वल टू प्लस माइनस वन। ठीक है, अगर प्लस माइनस वन पे जीरो है तो यहां से देखो, यहां से हमने लेट किया यू एक्स को वाई इक्वल टू सी और एक्स स्क्वायर माइनस वन और वाई स्क्वायर माइनस वन, प्लस माइनस वन पे जीरो, प्लस माइनस वन पे जीरो। अगर मैं यू एक्स फाइंड आउट करूं तो यू एक्स की वैल्यू आएगी टू सी एक्स वाई स्क्वायर माइनस वन और यू वाई की वैल्यू आएगी टू सी वाई और एक्स स्क्वायर माइनस वन, टू सी वाई एक्स स्क्वायर माइनस वन, यू एक्स टू सी एक्स वाई स्क्वायर माइनस एक्स। ठीक है, अगर मैं ये सारी वैल्यू गिवन इक्वेशन में पुट कर दूं तो आई इक्वल टू एक्स इक्वल टू माइनस वन से वन, वाई इक्वल टू माइनस वन से वन, यू एक्स स्क्वायर यानी कि फोर सी स्क्वायर एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर माइनस वन का होल स्क्वायर, यू वाई स्क्वायर प्लस फोर सी स्क्वायर वाई स्क्वायर और एक्स स्क्वायर माइनस वन का होल स्क्वायर प्लस सॉरी माइनस टू यू, यू इज टू सी और एक्स स्क्वायर माइनस वन और यहां से आएगा वाई स्क्वायर माइनस वन इंटू डी एक्स इंटू डी वाई, डी एक्स इंटू डी वाई। ठीक है, बस थोड़ी कैलकुलेशन ज्यादा है इंटीग्रेशन पार्ट में, जैसे इंटीग्रेशन हुआ ऐसे कंप्लीट क्वेश्चन हो जाएगा। तो आई इक्वल टू यहां से सेपरेट कर लेता हूं फोर सी स्क्वायर, फोर सी स्क्वायर, फोर सी स्क्वायर कॉमन आ गया और इंटीग्रेशन सेपरेट कर लेता हूं, इंटीग्रेशन एक्स इक्वल टू माइनस वन से वन और यहां से आएगा एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स इंटू वाई इक्वल टू माइनस वन से वन और यहां से आएगा वाई स्क्वायर वाई की पावर फोर प्लस वन माइनस टू वाई स्क्वायर इंटू क्या आएगा डी वाई प्लस फोर सी स्क्वायर इंटीग्रेशन वाई इक्वल टू माइनस वन से वन वाई स्क्वायर इंटू डी वाई और इंटीग्रेशन एक्स इक्वल टू माइनस वन से वन और यहां से ये है होल स्क्वायर। जब यहां पे पुट करोगे तो ये आएगा होल स्क्वायर, तो इसकी वैल्यू आएगी एक्स की पावर फोर प्लस वन, प्लस वन और माइनस माइनस टू। Just watching videos won't help. You need to practice your learning by solving questions. और इंटीग्रेशन x की वैल्यू माइनस वन से वन और ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस वन इंटू dx और y की वैल्यू माइनस वन से माइनस वन से वन और y स्क्वायर माइनस वन इंटू dy। ठीक है, अब देखो ये इवन फंक्शन, ये इवन फंक्शन, ये भी इवन फंक्शन, ये भी सारे के सारे फंक्शन कैसे हैं इवन, मैं ट्वाइस कर सकता हूं यहां से। तो आई इक्वल टू फोर सी स्क्वायर और ये टू इंटू टू इंटू टू टू ट्वाइस, एक्स इक्वल टू जीरो जीरो टू वन,
एक्स स्क्वायर इंटू क्या आएगा टी एक्स, वाई इक्वल टू जीरो टू वन इंटू टू, जीरो टू वन वाई की पावर फोर प्लस वन माइनस टू वाई स्क्वायर इंटू डी वाई प्लस, ये इंटीग्रेशन सेम जितना इसकी वैल्यू आएगी इतनी इसकी वैल्यू आएगी, तो फोर सी स्क्वायर इंटू टू इंटू टू इंटीग्रेशन y इक्वल टू जीरो टू वन वाई स्क्वायर इंटू डी वाई इंटू एक्स इक्वल टू जीरो टू वन एक्स की पावर फोर प्लस वन माइनस टू एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स माइनस टू सी, और इसकी वैल्यू आएगी इंटू टू इंटू टू, और x इक्वल टू जीरो टू वन एक्स स्क्वायर माइनस वन इंटू डी एक्स, और y इक्वल टू जीरो टू वन वाई स्क्वायर माइनस वन इंटू डी वाई इंटू डी वाई। ठीक है, जब इसको सॉल्व करोगे तो मैं इसको डायरेक्ट लिखे देता हूं, इसकी वैल्यू आएगी आई इक्वल टू एट सी स्क्वायर बाई एट सी स्क्वायर बाई थ्री इंटू बाई थ्री इंटू, और यहां से आएगा या फिर डायरेक्ट लास्ट में लिख देता हूं, इसकी लास्ट वैल्यू आएगी सिक्सटीन स्क्वायर अपॉन फोर्टी फाइव सी स्क्वायर माइनस टू सी, और सिक्सटीन अपॉन नाइन ठीक है, अगर मैं इसका मैक्सिमम फाइंड आउट करूं तो जो इसका मैक्सिमम आएगा वो मैक्सिमम आएगा यहां से डेल आई अपॉन डेल सी इक्वल टू सिक्सटीन इंटू अपॉन 45 फाइव इंटू टू सी, और माइनस टू इंटू सिक्सटीन बाई नाइन इक्वल टू क्या मिलेगा जीरो। अगर मैं इससे सी की वैल्यू फाइंड आउट करता हूं तो सी इक्वल टू आएगा यहां से दिस अपॉन दिस, तो टू इंटू सिक्सटीन अपॉन नाइन अपॉन दिस इंटू सिक्सटीन इंटू टू इंटू 45 तो टू से टू कैंसिल आउट, 16 से 16 कैंसिल आउट, और यहां से इसकी वैल्यू ये थ्री फाइव जा तो 5/16, तो यू एक्स कोमा वाई इक्वल टू 5/16 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वन और वाई स्क्वायर माइनस वन ये एग्जाम का क्वेश्चन है पहला ऑप्शन में पूछा गया अल्फा आई कांस्टेंट, दूसरा ऑप्शन में पूछा गया डब्ल्यू आई आर लीनियरली इंडिपेंडेंट, तीसरे ऑप्शन में पूछा गया कंटिन्यूअस, और लास्ट ऑप्शन में सॉल्यूशन लिखा हुआ था, सिर्फ ये चेंज था, जो ये कोफिशियंट है ये कोफिशियंट चेंज करके लिख दिया। तो बुकलेट में वो क्वेश्चन है, यही क्वेश्चन सेम क्वेश्चन ऑप्शन के साथ आप लोग ट्राई कर सकते हो। ठीक है, एक और एग्जाम्पल, एक क्वेश्चन होमवर्क लिख देता हूँ, ट्राई कर लेना। आप CSIR NET या IIT JAM मैथ बैचेस ऑनलाइन ऑफलाइन क्लास ज्वाइन कर सकते हैं, वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अपनी सेल्फ स्टडी और प्रैक्टिस करने के लिए हमारी बुक्स परचेस करें आप घर बैठे बैठे CSIR NET IIT JAM की तैयारी हमारे लेटेस्ट रिकॉर्डेड वीडियोस से कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। गेट 40,000 प्लस क्वेश्चन बैंक ऑफ ऑल द यूनिवर्सिटीज इन इंडिया एब्सोल्युटली फ्री, डाउनलोड डिप्स अकेडमी मोबाइल ऐप फ्रॉम प्ले स्टोर, सब्सक्राइब आवर YouTube चैनल फॉर मोर लर्निंग वीडियोस एंड डिस्काउंट ऑन वीडियो कोर्सेज। अधिक जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन को ध्यान से पढ़िए या QR कोड स्कैन करिए। एग्जांपल फाइंड द स्मॉलेस्ट आइगन वैल्यू, स्मॉलेस्ट आइगन वैल्यू ux x plus uy y माइनस लैम्डा u, और मॉड ऑफ x लेस देन 1 मॉड ऑफ y लेस देन 1
u इक्वल टू जीरो एट x इक्वल टू प्लस माइनस वन और y इक्वल टू प्लस माइनस वन, एट x इक्वल टू प्लस माइनस वन और y इक्वल टू प्लस माइनस वन। ठीक है, ये लास्ट क्वेश्चन है, इसे ट्राई कर लेना। ठीक, सफिशिएंट कंडीशन, सफिशिएंट कंडीशन फॉर एक्सट्रीमा। ठीक है, इसके तीन तीन कंडीशन है। पहली कंडीशन करते हैं, फर्स्ट कंडीशन वर्स्ट्रास, वर्स्ट्रास फंक्शन, वर्स्ट्रास फंक्शन, कंसीडर द फंक्शनल, कंसीडर द फंक्शनल, फंक्शनल आई y of x equal to I y of x equal to integration x1 to x2, integration x1 to x2 f x y y dash into dx with y of x1 equal to y1, y of x1 equal to y1 and y of x2 equal to y2. Wurstrass function is given by, Wurstrass function is given by, given by e x y y dash p equal to f x y y dash minus f x y p x y p माइनस वाई डैश माइनस पी इंटू एफ ऑफ पी एक्स वाई पी एक्स वाई पी। द सफिशियंट कंडीशन इज, द सफिशियंट सफिशियंट कंडीशन, सफिशियंट कंडीशन इज फर्स्ट पॉइंट फोर मैक्सिमम, फोर मैक्सिमम ई, फोर मैक्सिमम ई लेस देन इक्वल टू जीरो। अब इसके दो केस हैं, फर्स्ट केस फोर ऑल वाइडेस, फोर सम, फोर सम वाइडेस क्लोज टू पी, क्लोज टू P। अगर फोर ऑल वाई डैश है तो इसे बोलते हैं हम स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग मैक्सिमम और वीक मैक्सिमम। नोट करके लिखो, स्ट्रॉन्ग मैक्सिमम, स्ट्रॉन्ग मैक्सिमम इंप्लाइज वीक मिनिमम, वीक मैक्सिमम, कन्वर्स नॉट ट्रू। ठीक है, स्ट्रॉन्ग मैक्सिमम हमेशा इंप्लाई करेगा वीक मैक्सिमम को, वीक मैक्सिमम कभी भी इंप्लाई नहीं करता किसको, स्ट्रॉन्ग मैक्सिमम को। ठीक है, सेकंड केस, सेकंड केस फोर मिनिमम, फोर मिनिमम हेडिंग डालो ई ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। फिर से दो केस, फोर ऑल वाई डैश, फोर ऑल वाई डैश, फोर सम, फोर सम वाई डैश क्लोज टू, फोर सम वाई डैश क्लोज टू पी, फोर ऑल वाई डैश, फोर सम वाई डैश क्लोज टू पी। ठीक है, स्ट्रॉन्ग अगर फोर ऑल वाई डैश है तो इसे बोलेंगे स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग मिनिमम, और अगर ऐसा हुआ तो इसे बोलेंगे वीक मिनिमम। अब यहां पे हेडिंग डालो, नोट करके, नोट करके लिखना स्ट्रॉन्ग, नोट करके स्ट्रॉन्ग
strong minimum implies weak minimum. कन्वर्स यहां पर भी होल्ड नहीं करता. स्ट्रॉन्ग मिनिमम हमेशा इंप्लाई करेगा वीक मिनिमम को. ये वरिष्ठास कंडीशन है, वरिष्ठास फंक्शन है ये कंडीशन. अगर ये कंडीशन हमेशा ऐसा, ये सफिशिएंट कंडीशन है, इसकी वरिष्ठास ने सफिशिएंट कंडीशन दी. अगर ई लेस देन 0 है फॉर ऑल वाइडेस्ट, तो स्ट्रॉन्ग क्या होगा? मैक्सिमम. और फॉर सम वाइडेस्ट क्लोज टू पी होगा तो क्या होगा? वीक मिनिमम. जहां पे हम स्ट्रॉन्ग की बात, फॉर ऑल वाइडेस्ट की बात कर रहे हैं, तो वहां पर हम क्या बोल रहे हैं? स्ट्रॉन्ग मैक्स. फॉर ऑल वाइडेस्ट की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे हम क्या बोल रहे हैं? स्ट्रॉन्ग मैक्सिमम. यहाँ पे भी देख लो, फॉर ऑल वाइडेस्ट तो स्ट्रॉन्ग मिनिमम. जहां पे सम की बात कर रहे हैं तो वीक मैक्सिमम, और जहां पे फोर सम की बात कर रहे हैं वीक मिनिमम. अगर ई ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो गया या ई लेस देन इक्वल टू 0 हो गया, लेस देन है मैक्सिमम, ग्रेटर देन है तो मिनिमम. ठीक है, नोट करके लिखो ये चीजें. जस्ट वॉचिंग वीडियोज वॉन्ट हेल्प. यू नीड टू प्रैक्टिस योर लर्निंग बाय सॉल्विंग क्वेश्चंस. गेट द लेटेस्ट प्रैक्टिस बुक्स फ्रॉम डिप्स. क्लिक ऑन द लिंक टू बाय नाउ. नोट. नोट करके लिखो. फॉर स्ट्रॉन्ग एक्सट्रीमल रिलेशन, फॉर स्ट्रॉन्ग एक्सट्रीमल रिलेशन, एक्सट्रीमल रिलेशन शुड होल्ड फॉर वाइडेस्ट, फॉर ऑल वाइडेस्ट एंड वीक एक्सट्रीमल रिलेशन एंड वीक एक्सट्रीमल रिलेशन, वीक एक्सट्रीमल रिलेशन शुड होल्ड फॉर सम वाइडेस्ट क्लोज टू पी वेर पी इक्वल टू, वेर पी इक्वल टू डी वाई अपॉन डी एक्स. वाई इज एंड वाई इज एक्सट्रीमल कर, वाई इज एक्सट्रीमल कर. ठीक है, अब देखो यहां से, यहां पे तुम्हें दो प्रॉब्लम आएंगे. यहां पे मैंने लिखा p इक्वल टू डी वाई अपॉन डी एक्स, और यहाँ पे y डैश की वैल्यू भी क्या है? y डैश माइनस p. इसका मतलब ये टर्म्स कैसी होनी चाहिए थी? जीरो. लेकिन ये दोनों डिफरेंट है. कैसे डिफरेंट है? ये एग्जाम्पल से समझा रहा हूँ. ठीक है, एग्जाम्पल में समझा रहा हूँ. इन दोनों का मीनिंग सेम नहीं होता है. p इक्वल टू डी वाई अपॉन डी एस. ठीक है, अब क्लोज का मतलब क्या है? क्लोज टू p और फॉर ऑल y डैश, वो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ. दो एग्जाम्पल ले रहा हूँ, दोनों से देख सकते हो. ठीक है, फर्स्ट एग्जाम्पल, find the nature of extremal, find the nature of extremal, find the nature of extremal for the functional, for the functional I y of x equal to integration 0 to 1 x plus 2y plus y dash square by 2 into dx y of 0 equal to 0 or y of 1 equal to 0 y of 1 equal to 0. ठीक है, देखो try करते हैं. हमें यूज करना है वरिष्ठास फंक्शन. अगर वरिष्ठास फंक्शन की बात करें तो वरिष्ठास फंक्शन, ये कंप्लीट फंक्शन क्या है? f. तो यहां से e यूजिंग
वरिष्ठास फंक्शन ई ई एक्स वाई वाई डस कोमा पी इक्वल टू एफ एक्स वाई वाई डस माइनस एफ एक्स वाई पी माइनस वाई डस माइनस पी इंटू एफ ऑफ पी एक्स वाई पी एक्स वाई पी इक्वल टू ई इक्वल टू यहां से एक्स प्लस टू वाई प्लस वाई डस स्क्वायर बाई टू माइनस वाई डस को किससे रिप्लेस करना पी से तो माइनस टू वाई माइनस पी स्क्वायर बाई टू माइनस वाई डस माइनस पी इंटू जब मैं पी से रिप्लेस करूंगा इस फंक्शन को और इसका डेरिवेटिव करूंगा विद रेस्पेक्ट टू पी तो टी का क्या आएगा टू पी आएगा वाई डस को किससे रिप्लेस करूंगा पी से तो पी स्क्वायर आएगा पी स्क्वायर का डेरिवेटिव करोगे तो टू पी टू पी तो यहां से इसकी वैल्यू क्या आएगी टू पी अपॉन टू तो डेट इज पी ठीक है इस टर्म से ये टर्म्स कैंसिल आउट इस टर्म से ये टर्म्स कैंसिल आउट तो ई इक्वल टू यहां से मिला वाई डस स्क्वायर अपॉन टू माइनस और यहां से पी स्क्वायर बाई टू माइनस और यहां से मिला वाई डस माइनस पी इंटू क्या मिला पी अगर वन बाई टू कोमल ले लू इसके फैक्टर करो तो यहां से आएगा वन बाई टू वाई डस माइनस पी इंटू वाई डस प्लस पी और माइनस वाई डस माइनस पी इंटू क्या आएगा पी तो ई इक्वल टू वाई डस माइनस पी इंटू वाई डस पी कॉमन आ गया तो यहां से मिला वाई डस बाई टू भी कॉमन ले लो वाई डस प्लस पी माइनस टू टू पी तो वन बाई टू और यहां से वाई डस माइनस पी का होल स्क्वायर अब फोर ऑल वाई डस माइनस पी अब वाई डस कुछ भी हो वाई डस कुछ भी हो ये होल स्क्वायर है एक्स स्क्वायर ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो तो दिस क्वांटिटी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो दैट इज ई ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो फोर ऑल वाई डस फोर ऑल वाई डस अगर फोर ऑल वाई डस है तो ये किसको इंप्लाई करेगा स्ट्रॉन्ग मिनिमम और स्ट्रॉन्ग मिनिमम हमेशा इंप्लाई करता किसको वीक वीक मिनिमम को स्ट्रॉन्ग मिनिमम हमेशा इंप्लाई करता किसको वीक मिनिमम को ये चीज समझ आई लेकिन यहां पर इसका यूज नहीं हुआ कि फोर सम वाइडस क्लोज टू पी और फोर ऑल वाइडस क्योंकि ये तो होल स्क्वायर था होल स्क्वायर ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो तो यहां पे हमने डायरेक्ट यूज कर लिया ठीक है अभी भी यहां पे ये डिफरेंस समझ नहीं आया कि ये डिफरेंस क्या ये चीज समझ आई अभी फिर से सेकंड एग्जांपल लेता हूं इस चार्ट को रफ कर रहा हूं इसको हम ध्यान रखते हैं सेकंड एग्जांपल आप CSIR NET या IIT JAM Math Batches ऑनलाइन ऑफलाइन क्लास ज्वाइन कर सकते हैं वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है अपनी सेल्फ स्टडी और प्रैक्टिस करने के लिए हमारी बुक्स परचेस करें आप घर बैठे बैठे CSIR NET IIT JAM की तैयारी हमारे लेटेस्ट रिकॉर्डेड वीडियोस से कर सकते हो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा गेट 40,000 प्लस क्वेश्चन बैंक ऑफ ऑल द यूनिवर्सिटीज इन इंडिया एब्सोल्युटली फ्री डाउनलोड डिप्स अकेडमी मोबाइल ऐप फ्रॉम प्ले स्टोर सब्सक्राइब आवर YouTube चैनल फॉर मोर लर्निंग वीडियोस एंड डिस्काउंट ऑन वीडियो कोर्सेज अधिक जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन को ध्यान से पढ़िए या QR कोड स्कैन करिए सेकंड एग्जांपल फाइन द नेचर ऑफ द एक्सट्रीमल एग्जांपल फाइन द नेचर फाइंड द नेचर ऑफ द एक्सट्रीमल फाइंड द नेचर ऑफ द एक्सट्रीमल फॉर द फंक्शनल फॉर द फंक्शनल आई वाई ऑफ एक्स आई वाई ऑफ एक्स इक्वल टू इंटीग्रेशन जीरो टू ए वाई डस क्यूब इंटू डी एक्स वाई ऑफ जीरो इक्वल टू जीरो
और वाई ऑफ ए इक्वल टू बी, ए कोमा बी ग्रेटर देन जीरो, ए कोमा बी ग्रेटर देन जीरो। ठीक है, देखो फिर से यूजिंग वेरस्टास फंक्शन, अगर हम वेरस्टास फंक्शन को यूज करें तो यहां से सॉल्यूशन, इसमें सब कुछ यूज हो जाएगा। वेरस्टास फंक्शन ई एक्स वाई वाई डैश कोमा पी इक्वल टू एफ एक्स वाई वाई डैश माइनस एफ एक्स वाई पी माइनस वाई डैश माइनस पी इंटू एफ ऑफ पी एक्स वाई पी। ठीक है, ई इक्वल टू इस वैल्यू वाई डैश क्यूब माइनस पी, वाई डैश को रिप्लेस करोगे तो पी क्यूब माइनस माइनस और वाई डैश माइनस पी, वाई डैश माइनस पी इंटू पी के रिएक्शन का डेरिवेटिव तो इंटू आएगा थ्री पी स्क्वायर इंटू थ्री पी स्क्वायर। अगर मैं इसका फैक्टर करूं इस टर्म्स का, तो इस टर्म्स का जो फैक्टर आएगा वाई डैश माइनस पी फैक्टर कॉमन आएगा, तो ई मैंने कॉमन लिया वाई डैश माइनस पी कॉमन आ गया ब्रैकेट, यहां से क्या बचा वाई डैश स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर, वाई डैश स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर माइनस नहीं प्लस वाई डैश इंटू पी, और यहां से मिला माइनस थ्री पी स्क्वायर, थ्री पी स्क्वायर। मैंने ई इक्वल टू वाई डैश माइनस पी इंटू, और यहां से मिला वाई डैश स्क्वायर, इसमें से माइनस किया तो यहां से मिला प्लस वाई डैश इंटू पी और माइनस थ्री सॉरी टू पी स्क्वायर। फैक्टराइज, अगर मैं फैक्टराइज करूं तो इसके फैक्टर मिलेंगे वाई डैश माइनस पी इंटू वाई डैश माइनस पी इंटू और वाई डैश प्लस टू पी, तो e इक्वल टू वाई डैश माइनस पी का होल स्क्वायर इंटू वाई डैश प्लस टू पी। ये क्वांटिटी तो ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, दिस क्वांटिटी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, बट वाई डैश प्लस टू पी की जो क्वांटिटी है वो ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो नहीं है। अब हमें उसके बारे में सोचना है कि वाई डैश प्लस टू पी ग्रेटर देन जीरो होगा या लेस देन जीरो होगा, ये चीज समझे। ये क्वांटिटी तो हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है, जो ये क्वांटिटी है ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, और वाई डैश प्लस टू पी के बारे में हमें डिसाइड करना है कि ये क्वांटिटी ग्रेटर देन जीरो आएगी या लेस देन जीरो। अब हमें किसकी रिक्वायरमेंट है, एक्सट्रीमल की रिक्वायरमेंट है, किसकी रिक्वायरमेंट है एक्सट्रीमल की। तो यहां से देखो जो मैं वो ये बात कर रहा हूँ कि फोर सम क्लोज टू पी वो यहाँ पे रोल आएगा, फोर सम क्लोज टू पी के लिए। अब ये जो फंक्शनल है इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स वाई है, अगर इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स वाई है तो इसका एक्सट्रीमल कर्व एक स्टेटमेंट मिलेगा, तो वाई ऑफ एक्स इक्वल टू क्या मिलेगा सी वन एक्स प्लस क्या मिलेगा सी टू, कंडीशन है वाई ऑफ जीरो इक्वल टू जीरो इम्प्लाइज सी टू इक्वल टू जीरो, वाई ऑफ ए इक्वल टू बी, तो यहां से इसकी वैल्यू आएगी बी इक्वल टू सी वन ए इम्प्लाइज सी वन इक्वल टू बी अपॉन ए, तो वाई ऑफ एक्स इक्वल टू मिल गया बी अपॉन ए इंटू एक्स। ठीक है, अब यहां से देखो दिस क्वांटिटी पॉजिटिव, ये जो क्वांटिटी है ये क्या है पॉजिटिव, एक एक्सट्रीमल है। अब एक्स वाई प्लेन में एक पॉइंट है जीरो जीरो, एक पॉइंट है वन ए कोमा बी, कोई भी ए और बी दोनों कैसे नंबर है पॉजिटिव, तो ए कोमा बी। इस पॉइंट से इस पॉइंट पर जाने के लिए जो एक्सट्रीमल कर्व है वो एक स्ट्रेट लाइन है, ये क्या है स्ट्रेट लाइन। अगर ये स्ट्रेट लाइन है जीरो टू ए के बीच, अब इस स्ट्रेट लाइन के नेबरहुड में जितने भी कर्व हैं, ये कर्व और ये कर्व, इन क्लोज टू पी का मतलब क्या है वाई डैश क्लोज टू पी, यानी कि इन इसकी जो स्लोप है वो तो पॉजिटिव है, यानी कि वाई डैश क्या मिल गया वाई डैश इक्वल टू बी अपॉन ए, तो P इक्वल टू क्या मिलेगा वाई डैश, और वाई डैश इक्वल टू क्या आएगा बी अपॉन ए, और ये कैसा आएगा ग्रेटर देन जीरो।
ये क्वांटिटी पॉजिटिव है यानी कि पी पॉजिटिव है, अगर पी पॉजिटिव है तो वाई डैश की जो वैल्यू है पी के जब नेबरहुड में होगी तो वो हमेशा इन सारे कर्व की जो वैल्यू होगी स्लोप होगी वो पॉजिटिव होगी या नहीं होगी। जब ये क्वांटिटी पॉजिटिव है तो वाई डैश के नेबरहुड के जितने भी कर्व हैं वो सारे कर्व कैसे होंगे पॉजिटिव, तो ये क्वांटिटी हमेशा कैसी रहने वाली है पॉजिटिव। देखो वाई डैश क्लोज टू पी, यहां तक समझ आया? तो इसका मतलब क्या हो गया, ये क्वांटिटी ग्रेटर देन जीरो, ये ग्रेटर देन जीरो, तो E ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो फॉर सम, फॉर सम वाई डैश क्लोज टू पी। अगर फॉर सम वाई डैश क्लोज टू पी तो इसका मतलब क्या हुआ, ये किसको इंप्लाई करेगा, वीक मिनिमम को, ये किसको इंप्लाई करेगा, वीक मिनिमम। ये चीज समझ आया नहीं? देखो यहां पर तो होल स्क्वायर था, कोई प्रॉब्लम नहीं आई थी, यहां पर होल स्क्वायर है वाई डैश माइनस पी का होल स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, यहां पर कोई प्रॉब्लम नहीं है, होल स्क्वायर ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होता है, यहां पर भी कोई प्रॉब्लम नहीं, इस पार्ट में यहां पर भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, वाई डैश माइनस पी का होल स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो के केस में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वाई डैश प्लस टू पी इस क्वांटिटी में प्रॉब्लम है, क्योंकि वाई डैश की वैल्यू किस पे डिपेंड कर रही है, पी पे, और पी की वैल्यू हमें उन कर्व की स्लोप देखनी है, इस ऐसा तो है नहीं कि ये कर्व यहां से डोमेन ये गिवन है, डोमेन ये गिवन है कि यहां से ऐसे जाए या यहां से ऐसे जाए, उन कर्व की स्लोप देख रहे हैं, हम देख रहे हैं इस कर्व के नेबरहुड में जो कर्व है उन कर्व की जो स्लोप होगी, जो वे है इस पॉइंट से इस पॉइंट पे पहुंचने की जो वे है, या तो इस पास से जा सकता है या इस पास से जा सकता है या इस पास से, तो जो इसके नेबरहुड के कर्व है उन कर्व की हमें देखने स्लोप देख रहे हैं, इस कर्व की स्लोप पॉजिटिव है तो इन कर्व की भी स्लोप कैसी मिलेगी, पॉजिटिव। तो ये जब y डैश क्लोज टू p होगा, y डैश की वैल्यू क्लोज टू p होगी तो हमेशा ये क्वांटिटी कैसी मिलने वाली है, ग्रेटर देन जीरो, तो इसका मतलब ये क्या किसको रिप्रेजेंट करेगा, वीक मैक्स मिनिमम को। यहां तक समझ आया? आगे बढ़ते हैं, वृष्टास ने यही चेक किया। अब नेक्स्ट फंक्शन जो इसने कैलकुलेशन करी, देखो ये पार्ट कैलकुलेशन थी, ये पार्ट कैलकुलेशन थी, इसको लीजेंडर ने ऑब्जर्व किया और ऑब्जर्व करने के बाद इसको डायरेक्ट समराइज कर लिया और बहुत छोटा मिनिमम किया। देखो कैसे, हेडिंग ले लो लीजेंडर कंडीशन, जस्ट वॉचिंग वीडियोज वॉन्ट हेल्प, यू नीड टू प्रैक्टिस योर लर्निंग बाय सॉल्विंग क्वेश्चंस, गेट द लेटेस्ट प्रैक्टिस बुक्स फ्रॉम डिप्स, क्लिक ऑन द लिंक टू बाय नाउ। लीजेंडर कंडीशन उसकी एक ड्रॉबैक है, वो लिखवा रहा हूं पहली लाइन में, लेट एफ एक्स वाई वाई डैश बी द थ्राइस डिफरेंशियबल फंक्शन, बी द थ्राइस डिफरेंशियबल फंक्शन, अंडरलाइन करो थ्राइस डिफरेंशियबल फंक्शन, थ्राइस डिफरेंशियबल फंक्शन विद रेस्पेक्ट टू वाई डैश। देन अगर ये फंक्शन थ्राइस डिफरेंशियबल फंक्शन है फिर हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम अपने रिजल्ट अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले चेक करोगे लीजेंडर कंडीशन अप्लाई करने से पहले थ्राइस डिफरेंशियबल चेक करोगे कि वो थ्राइस डिफरेंशियबल है या नहीं है। फर्स्ट रिजल्ट वीक मिनिमम ई ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो can be replaced by f y dash greater than zero for some y dash close to p, for some y dash
क्लोज टू पी. सेकेंड एग्जाम्पल सॉरी सेकेंड पॉइंट वीक मैक्सिमम ई लेस देन इक्वल टू जीरो कैन बी रिप्लेस्ड बाई एफ वाइडस लेस देन जीरो फोर सम वाइडस क्लोज टू पी. थर्ड स्ट्रॉन्ग मिनिमम ई ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो कैन बी रिप्लेस्ड बाई एफ वाइडस ग्रेटर देन जीरो फोर ऑल वाइडस. और फोर्थ कंडीशन स्ट्रॉन्ग मिनिमम ई लेस देन जीरो कैन बी रिप्लेस्ड बाई एफ वाइडस लेस देन जीरो फोर ऑल वाई डैश. ठीक है देखो कितना इजी हो गया. लीजेंडर ने क्या चेंज चेक किया, हम यहां पर इतनी कैलकुलेशन कर रहे थे. अगर ये फंक्शन ओनली थ्राइस डिफरेंशियबल है विद रेस्पेक्ट टू वाई डैश, अगर वाई डैश में थ्राइस डिफरेंशियबल है तो कन्फर्म है हम इस फंक्शन को डायरेक्ट जो ये कंडीशन थी उनको डायरेक्ट रिप्लेस कर दिया फोर्सम वाइडस और एफ वाइडस ग्रेटर देन जीरो और एफ वाइडस लेस देन जीरो. या तो फोर्सम होगा या फोर ऑल होगा. चेक करते हैं हमने दो एग्जाम्पल सॉल्व किए, फर्स्ट एग्जाम्पल और सेकेंड एग्जाम्पल, दोनों में कैलकुलेशन थी. देखो कितना ईजी हो गया, यहां से इसे लिख देता हूं फोर ऑल वाइडस. मेरा फर्स्ट एग्जाम्पल था जो फंक्शनल थी, वहां पे फंक्शन है एक्स प्लस टू वाई प्लस वाइडस स्क्वायर बाई टू सेकेंड एग्जाम्पल है, सेकेंड केस एफ इक्वल टू वाइडस क्यूब और वाई ऑफ जीरो इक्वल टू वाई ऑफ ए इक्वल टू वाई ऑफ जीरो इक्वल टू जीरो और वाई ऑफ ए इक्वल टू बी. ये एग्जाम्पल ठीक है. थर्ड एग्जाम्पल बाद में लिखता हूं. ठीक अब देखो फर्स्ट एग्जाम्पल था एफ इक्वल टू एक्स प्लस टू वाई प्लस वाई डैश स्क्वायर बाई टू ये गिवन है. मुझे इस फंक्शन को क्या करना, डिफरेंशिएट करना, थ्राइस डिफरेंशियबल देखना है कि वाई डैश स्क्वायर थ्राइस डिफरेंशियबल है या नहीं है. अगर मैं इसको थ्राइस डिफरेंशियबल चेक करूं, थ्राइस डिफरेंशियबल चेक करता हूं इस फंक्शन को जो ये गिवन फंक्शन है, तो किसके रेशन में वाई डैश थ्राइस डिफरेंशियबल है, एफ वाई डैश इक्वल टू क्या आएगा टू वाई डैश और एफ वाई डैश इक्वल टू क्या गया वन ग्रेटर देन जीरो फोर ऑल वाई डैश तो ये किसको इंप्लाई करा, फोर ऑल वाई डैश के लिए ग्रेटर देन जीरो है तो किसको इंप्लाई करा, स्ट्रॉन्ग मिनिमम को. तो ये किसको इंप्लाई करेगा, स्ट्रॉन्ग मिनिमम. और स्ट्रॉन्ग मिनिमम ऑलवेज इंप्लाई करता है वीक मिनिमम को. पहला एग्जाम्पल यही तो आंसर था, यानी कि जो हमारी इतनी बड़ी कैलकुलेशन थी वो सिर्फ दो स्टेप में सॉल्व होगी. यहां तक समझ आया. सेकंड केस अगर मैं इसको सॉल्व करूं एफ वाई डैश इक्वल टू थ्री वाई डैश स्क्वायर एफ वाई डैश इक्वल टू सिक्स वाई डैश, फिर से किस पे डिपेंड कर गया वाई डैश पे. और वाई डैश जब यहां से देखो वाई डैश जब पी की वैल्यू फिर से वही इस पे पी वाई डैश किस पे डिपेंड कर गया पी पे, जो पी का एक्सिमल कर्व है इसके नेबरहुड के जितने भी कर्व हैं उनकी स्लोप भी, जब एक्सिमल कर्व की स्लोप पॉजिटिव है उसके नेबरहुड के जो कर्व हैं उनकी स्लोप भी कैसी होगी पॉजिटिव. तो यहां से ये कैसा होगा ग्रेटर देन जीरो फोर सम वाई डैश
क्लोज टू वाई डैश क्लोज टू पी इंप्लाइज किसको इंप्लाई करेगा वीक मिनिमम को वीक मिनिमम को यही तो था थर्ड एग्जांपल सॉरी सेकंड एग्जांपल यही कह रहा था कि किसको इंप्लाई करेगा वीक बस ये पार्ट की कैलकुलेशन जो हम ये पार्ट कर रहे हैं ये कैलकुलेशन हमें यहां भी करनी पड़ेगी यहां तक समझ आया नहीं है लेकिन ये कैलकुलेशन स्किप हो जाएगी जो वोरस्टास फंक्शन की कैलकुलेशन थी थर्ड एग्जांपल है मेरे पास f इक्वल टू e की पावर x y स्क्वायर प्लस 1/2 y डैश स्क्वायर y ऑफ 0 इक्वल टू 1 और y ऑफ 1 इक्वल टू 0 y ऑफ 0 इक्वल टू 1 और y ऑफ 1 इक्वल टू 0 for all x belongs to 0, 1 ठीक है ये गिवन है अब यहां से देखो यहां से अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करूं 3 थ्राइस f y डैश इक्वल टू तो e की पावर x ये 0 इसका डेरिवेटिव आएगा y डैश तो f y डैश इक्वल टू क्या आएगा e की पावर x अगर मैं 0 टू 1 में 0 और 1 में e की पावर x के ग्राफ देखूं तो e की पावर x का जो ग्राफ है वो ऐसे आएगा दिस क्वांटिटी ऑलवेज ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल y डैश इंप्लाइज स्ट्रांग मिनिमम और स्ट्रांग मिनिमम इंप्लाइज वीक मिनिमम स्ट्रॉन्ग मिनिमम इंप्लाइज वीक मिनिमम ठीक है समझ रहे हैं यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं अभी तक मैंने दो केस डिस्कस किए पहला केस डिस्कस किया वोरस्टास फंक्शन और दूसरा केस मैंने डिस्कस किया लीजेंडर फंक्शन पहला केस मैंने डिस्कस कर रहा हूं यहां से वोरस्टास फंक्शन और दूसरा केस क्या है सॉरी वोरस्टास फंक्शन और दूसरा केस लीजेंडर फंक्शन वोरस्टास फंक्शन का ही सब केस है बेसिकली लीजेंडर फंक्शन उसने उसकी कैलकुलेशन को ऑब्जर्व कर लिया और मिनिमाइज कैलकुलेशन कर दी और उसको प्रूव कर दिया एक और कंडीशन है हमारे पास लीजेंडर कंडीशन से स्ट्रांग मैक्सिमम मिनिमम तो मिल जाएगा लेकिन लीजेंड डिसाइड नहीं कर सकते हमारे पास यहाँ पे लीजेंडर कंडीशन से हम स्ट्रांग मैक्सिमम और मिनिमम तो डिसाइड कर सकते हैं लेकिन वो डिसाइड नहीं कर सकते रीजन जो एग्जाम का क्वेश्चन था यहां से लीजेंडर कंडीशन की हेल्प से वो डिसाइड कर लो मैक्सिमम और मिनिमम और रीजन हम डिफाइन करते हैं किसकी हेल्प से जैकोबी कंडीशन उसके लिए मुझे 3-4 पॉइंट है मतलब 3-4 डेफिनेशन है पहले रीजन की डेफिनेशन देनी पड़ेगी उसके बाद मुझे जैकोबी कंडीशन समझाना पड़ेगा ठीक है तो हेडिंग डालो नेक्स्ट कुछ डेफिनेशन लिखवा देता हूं डेफिनेशन Hope you are liking these learning videos. Want to study with Dubesa Live? Join our offline online batches for CSIR NET Maths and JAM. Visit our website or click on the link highlighted to know more.